अर्चना जी दिवाली आने वाली है, तैयारी कर ली आपने? कर ली। पत्ते वत्ते वगैरह सब? पत्ते नहीं खेलती मैं, उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। आपका ध्यान उधर ही जाता है। अब बोलो जो आपके बंगलों में नहीं गिर जाते? अच्छा वो वाले पत्ते? जब आप अमरूद तोड़ने के लिए पत्थर मारते हो वो वाली साफ सफाई करवा लेना। हाँ, हाँ, कर ले। अच्छा नहीं लगता ना? आज दिवाली के मौके पे यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं अपने मोहल्ले वाले को बुला ही लेता हूँ। चंदू, भूरी, सपना, बच्चा आ जाओ फटाफट, मेहमान आने वाले हैं। पिछले साल से तुम बाथरूम भी कहाँ गए हो? पहले वाली मिठाइयों का हिसाब करो पहले। कपिल शर्मा वैसे ये बताओ मुझे, इतनी रौनक लगाई है, किसकी नाइट उतार लाए हो आप? ये काम तेरे है, मेरे को मत बोला कर। घर से गीला तौलिया लपेट के जाता है, गर्म गर्म बल्ब उतार के ले आता है ये आदमी, मेरे को आगे बोल रहा है। जाओ कपू शर्मा, आप तो लोगों के पटाखे उठा लाते हो, लोग जलाकर फेंकते हैं, ये पैर से उनके पटाखे बुझाते हैं, फिर घर लेकर ट्राई करते हैं। अपने जलाया करो। ये अगर तू ना भी करता तो पैसे पूरे मिलने देना। तू गई नहीं अभी तक? वो दिवाली का मौका है, दो अच्छी बातें कर लो। वो करने के लिए मैंने गेस्ट बुलाए, तुम्हारे साथ क्यों करूं? बैठो बैठो, दिवाली की पार्टी शुरू होने वाली है। थैंक यू थैंक यू। बैठो बैठो बैठो, पार्टी। हैप्पी दिवाली। सोनी टीवी देख रहे तमाम दर्शकों को हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिवाली मनाएं अपने परिवार के साथ और सुरक्षित दिवाली मनाएं। बिल्कुल, दिवाली का मौसम है, लोग एक दूसरे को मिठाइयों के डिब्बे बड़े देते हैं। कई लोग तो वही डिब्बा आगे आगे घुमाते रहते हैं। अच्छा, सोन पपड़ी ऐसी अंडररेटेड मिठाई है। I love it. उसको बेचारी को बाहर से लोग देखते हैं, सोन पपड़ी गुप्ता जी को चिपका दे। वो ना पूरा राउंड घूमती है मिठाई, रिश्तेदारों में हो जाती है, फिर आगे बाई को दे देते हैं। फिर बाई पूरा राउंड घुमाती है, एक बाई दूसरी बाई को देती है, फिर वो राउंड भी खत्म हो जाता है ना, फिर लोग अपने गाय को डाल देते हैं, गाय भी फिर दूसरी गाय को सरका देती है। सोन पपड़ी बेचारी ऐसी मिठाई है। अच्छा, शुरू शुरू में लड्डू की बड़ी वैल्यू थी। आज से 20 साल पहले चले जाओ, आजकल नई नई मिठाइयां आ गई, सेक्सी काजू कतली टाइप आ गई है ना, लोग आजकल वो ड्राई फ्रूट भी देने लगे हैं। मिठाई को लोग कहते हैं ओल्ड फैशन हो गई। बेचारी काजू कतली सोच रही कि अब मैं क्या ओल्ड फैशन, मतलब अपनी कटिंग हलवाई की जगह मनीष मल्होत्रा से करवाऊं मैं। ये अपना बच्चा यादव, इसने बड़े बच्चों को ट्रेंड करके रखा है। हमने कहता कहीं पे भी जाओ मिठाई नहीं उठानी, मिठाई तो हम खुद भी खरीद सकते हैं। कहता ड्राई फ्रूट पे हमला बोलो, 800 रुपए किलो। अगर कोई बच्चा इसका लड्डू उठा ले वहीं पे पकड़ देता है, वो 800 रुपए किलो उसको उठाओ जाके। अब तो इसके बच्चे इतने ट्रेंड होंगे ना, घर आके भी इसको बोलते हैं पापा मैं गुप्ता अंकल को 700 रुपए में पढ़ा। हमारी अर्चना जी जो है इन्होंने अपनी कैटेगरी बनाई हुई है, अगर दिवाली पे आस पड़ोस के लोग जाएं तो सीधा सीधा लड्डू रखती हैं, नमकीन रखती हैं। अच्छा। हम में से कोई कलाकार चला जाए फिर ये थोड़ी काजू कतली रख देती हैं। अच्छा। और अगर चैनल से कोई चला जाए फिर ये निकालती हैं तिजोरी में से ड्राई फ्रूट। क्योंकि ये बंदे के हिसाब से इन्वेस्ट करती हैं, जिससे जितना फायदा उतने महंगी मिठाई। सही है आपका। जब आप जाते हैं तो आपके सामने क्या रखती है? शट अप। कई लोग ना मिठाई का डिब्बा गिफ्ट में देते ना, और ऊपर नाम जरूर लिखवा देते अपना, गोस्वामी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। कई तो इतने चलाक होते हैं डिब्बा भी नहीं होता, स्टिकर बनवाए होते हैं उन्होंने, किसी के डिब्बे पे अपना स्टिकर चिपका देते हैं। और कई लोग और शाणे होते हैं, वो बिना पढ़े डिब्बा आगे भेज देते हैं, फिर आदमी सोच रहा था चड्डा के घर में गोस्वामी कब पैदा हो गया। इतना झोल होता है। अच्छा, किसी बड़े अमीर आदमी ना, आपका दोस्त हो पैसे वाला, उसके घर से डिब्बा आता ना, तो आदमी को बड़ी उम्मीद होती है कि अंदर से ड्राई फ्रूट निकलेगा। और अगर उसमें से निकल आया 80 रुपए किलो वाला आगरे का पेठा, आदमी का मुंह पेठे से भी टेढ़ा हो जाता है। फिर वो अपने सीक्रेट रिवील कर देता है, पेठा दे गए हमें पहले ही शुगर है, ऊपर से पेठा दे गए, गाय को खिला इसको। अच्छा, हमारे इंडिया में खाना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी। आप देखो, लड़का लड़की की शादी में दूल्हा दुल्हन के फ्यूचर इतना डिस्कस नहीं किया जाता जितना ये डिस्कस किया जाता कि शादी में खाने में क्या बनेगा। और अगर भगवान ना करे दूल्हा थोड़ा ठीक ठाक है, सुंदर नहीं है, फिर वो खाने पे ज्यादा खर्चा करते हैं ताकि कोई दूल्हे के स्टॉल पे ना जाए, खाना खा के वहीं से निकल जाए। अच्छा, आपको तो पता होगा आजकल ये फॉरेन में
एटिकेट्स कितने होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर खाने में, हमें तो पता नहीं था, अब नया नया जाके पता चला कि मतलब अगर आप खाने के बाद फोक और नाइफ को ऊपर की तरफ फेस करते हुए प्लेट के बीच में रखते हो तो रेस्टोरेंट वाले को पता चल जाता है कि आपका खाना फिनिश हो गया है। ऐसे अगर फोक और नाइफ को राइट साइड फेस करके रख देते हो तो उनको पता चलता है आपको खाना अच्छा लगा। अगर फोक में नाइफ अटका के रखते हो उनको पता चल जाता है कि आपको खाना पसंद नहीं आया। और अगर दो चम्मच, दो कटोरियां और एक कैंडल गायब हो जाए फिर पता चल जाता है चंदू आया था खाना खाने। अच्छा आजकल देखा अर्चना जी रेस्टोरेंट में गार्निशिंग का कितना ध्यान रखते हैं, सजावट कितनी करते हैं। आप चॉकलेट पेस्ट्री ऑर्डर करो वो लाल रंग से साइड में ऐसे गोला घुमा देंगे फिर चॉकलेट सिरप से वो हंस बना देंगे। ये चला गया दिनेश रेस्टोरेंट में खाना खाने, इसने चॉकलेट पेस्ट्री ऑर्डर की, उसने हंस बना के दे दिया, ये उंगली से पहले हंस चाट गया सारा। वो वेटर भाग के आ गया, सॉरी सर ये ऑर्डर किसी और का था, उसने देखा हंस है नहीं, हंस कहाँ गया, कहता उड़ गया। अच्छा आप बड़े रेस्टोरेंट में चाय भी पीने चले जाओ ना तो चाय की केतली के साथ एक कप, एक प्लेट, एक कैटल, एक खाली प्लेट जिसमें आप टी बैग रख सको, उसके साथ एक शुगर के लिए अलग से कटोरी, उसका अलग से चम्मच, इतने बर्तन आते हैं ना। चाय इसीलिए महंगी होती है क्योंकि एक कप चाय के साथ 8 बर्तनों की ड्यूटी लगी होती है। लॉकडाउन में यही बंदा जो बाहर 8 बर्तनों के साथ चाय पीता है अगर घर में बनाता ना वो सीधा पतीले से कप में, कप से सीधा मुंह में, उसको पता है जितने भी जूठे होंगे मेरे को धोने पड़ेंगे, वहां पे आदमी कोई नखरे नहीं करता। अच्छा कई लोग तो कुछ भी खाते हैं ना सबसे पहले खाने से पहले फेसबुक पे फोटो डालते हैं, लड़कियां बड़ा ज्यादा करती हैं ये। अच्छा मैं ये ईटिंग हैविंग लवली डिनर एट 5-स्टार रेस्टोरेंट यू मस्ट ट्राई, कई तो इतना नजदीक आ जाते हैं पिज्जा के साथ फोटो है, पिज्जा इतना नजदीक आया ना उसके कान पे लाल रंग का सॉस लग जाता है। अच्छा 5-स्टार रेस्टोरेंट में चले जाओ खाना खाने, नीचे डिस्क्रिप्शन क्या दिया होता है। मैंने एक बार ऑर्डर कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाके, मैंने पढ़ा एक इंग्लिश में डिश अच्छी लगी, मैंने पढ़ा वो उसमें लिखा होता है इन सिम्फोनिक फ्यूजन ऑफ होल लेंटिस टोमेटो जिंजर एंड गार्लिक सिमर्ड ऑन स्लो चारकोल फ्लेम सर्व्ड विद डॉलप्स ऑफ अनसॉल्टेड बटर। अरे वाह, जब आई तो थी दाल तड़का। ये चंदू के साथ तो और भी बुरा हुआ। क्या ये क्या करता है ना, ये चीजें नहीं पढ़ता, ये रेट पढ़ता है 350-250 ये वो। सडनली इसने 12 रुपए देखा, कहता ये ऑर्डर ले आओ, कहता सर ये पेज नंबर है। उसके बाद भी नहीं है हटा, उसको कहता इसके नीचे 2 be continued ले आओ, कहता चल निकल यहां से। बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ ना खाना महंगा होता है, वो जानबूझ के लड़कियों को रखते सर्व करने के लिए, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, बंदा वैसे ही चाय पीने गया होता खाना ऑर्डर कर देता है। ये पांडे और दिनेश दोनों चले गए, लड़की आई इसके पास, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, टी या कॉफी या मेन कोर्स, ये कहता है 1 soup into 2 कहती सॉरी सर वी सर्व ओनली बाय पोर्शन, 1 to 2 नहीं होता, कहता आप एक सूप ले आओ 2 चम्मच ले आओ बाकी काम हम कर लेंगे। अच्छा अर्चना मैम और परमीत सर जब डिनर के लिए जाते हैं तो परमीत सर को रुमाली रोटी बड़ी अच्छी लगती है। अर्चना जी कहती मेरा रुमाली रोटी से क्या होगा, कोई चद्दर रोटी है तुम्हारे पास। अच्छा वो जो बेचारी लड़की आई वो थोड़ी खूबसूरत थी तो परमीत सर ने तारीफ कर दी, बोलते वेरी नाइस, ये वो इनको बड़ा गुस्सा आया, घर जाके इन्होंने परमीत सर की एक उंगली डाली नाभि में दूसरी नाक में, ये लो तुम्हारी रुमाली रोटी, और करो उसकी तारीफ। पता है इतना घुमाया थोड़ी देर बाद परमीत सर हवा देने लगे थे। अच्छा आजकल ना खाने में एक्सपेरिमेंट्स बड़े होने लगे हैं। अच्छा जैसे पहले पहले तो सिर्फ मसाला डोसा आता था या सादा डोसा आता था, आजकल डोसा विद चाउमीन, डोसा विद भाजी आने लगा है। अच्छा लोग भी एक प्राइस के चक्कर में 2 डिश खाने के लिए ऐसी चीजें ऑर्डर भी कर देते हैं, डोसा विद चाउमीन ऑर्डर करते हैं, फिर मेरे जैसे लोग ना डोसा खोल के फाड़ के उसको चाउमीन बच्चों को खिला देते हैं, कवर खुद खा जाते हैं। अच्छा दिक्कत तब आती है जाके जब पेट में जाके चाउमीन अपना काम करते हैं सांभर अपना, फिर साउथ और ईस्ट की भिड़ंत में ना आदमी की बंगाल की खाड़ी में आग लगती है। खाने के मामले में हमारे यहाँ मेहमान नवाजी तो नंबर 1 है। हाँ। पूछ के आदमी को तब तक पूछते रहते जब तक वो खाना ले। हाँ। अंग्रेजों में ये रिवाज नहीं, वो एक ही बार पूछे, hey, David, have prepared some soup, would you like to have? बोलते, yeah, I would love to have. बात खत्म। हमारे यहाँ पूछे, बेटे समोसा खाओगे? मैं खा के आऊं, रोटी खा के आऊं। फिर जब समोसे आते ना फिर पछताता है आदमी, कभी कभी आदमी स्टैंड ले जाता ना कि नहीं मैं खा के आया, फिर जब वो वेट करता है दूसरी बार कि यार मेरे को पूछे अब, फिर जब नहीं पूछते ना फिर खुद होके ढीट होके चला जाता है, खाना तो खा के आया हूँ समोसा खाए 2 साल हो गए। 40 पहले बंदा अपने दोस्त को बड़ा बिंदास इनवाइट करता है, चल यार दिनेश मेरे घर आ मम्मी खाना बना देगी, चल 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 एंजॉय करते हैं। शादी के बाद सिनेरियो बदल जाता है, आदमी अगर अपने दोस्त को ले जाए ना बिना बताए बीवी को, बीवी साइड में ले जाती, बात सुनो जी
सुबह तुम्हारा बाप किसी को लेके आया था, तुम लेके आए, डाबा खोला हुआ मैंने। मैं बर्तन मांज रहे, अभी मेरे नाखूनों में गोभी फंसी हुई, चल लेके जाओ अपने दोस्त को। आदमी बाहर जाता ना फिर बहाने बना, सिलेंडर खत्म हो गया यार। तेरे घर चल के खाते। अच्छा वो भी शादीशुदा है, वो भी समझ जाता है, कहता है तेरा तो सिलेंडर खत्म हुआ है, मेरा तो फट भी सकता है, चल बाहर चल के खाते। शादी का सीजन जब होता ना, एक ही दिन में चार पांच शादियां आ जाए ना, तो बड़े लोग ये सोचते हैं कि यार हर जगह शगुन कैसे पहुंचाए। चंदू जैसे लोग ये सोचते हैं कि हर जगह से खाना कैसे खाएं। फिर ये पांच छह भाई बहन, हर भाई बहन की अलग अलग शादी में ड्यूटी लग जाती। फिर पिताजी कहते हैं जहां से खाना अच्छा होगा फोन कर देना, हम भी पहुंच जाएंगे। ये बच्चा जा रहे, बच्चे ट्रेंड किए हुए। हाँ ये बच्चा ले रहे थे, खुले पंडाल में बड़ी बड़ी शादियां होती, बच्चों को सिखाया हुआ। मैंने बताया था ना आपको, अगर दूर से बच्चा एक लाइट जलाए तो समझो खाना खुल गया, और अगर दो बार फ्लैश मारे तो समझो आइसक्रीम भी खुल गई है। अच्छा शब्दों में कितना अंतर है। हम जैसे ही बोलते हैं कि खाना लग गया है तो लगता है कि तमीज से खाया जाएगा, अगर आप बोलते हो खाना खुल गया लगता है लूटने आए ये। आदमी रहता भी ऐसे। ये हमारा बच्चा यादव ना, ये बड़ा क्रिएटिव है, रसगुल्ला कभी भी सीधा नहीं खाता, रसगुल्ला निचोड़ के खाता है। अच्छा। फिर उसकी जो चाशनी बचती है ना वो मेहमानों को चाय में डाल देता है। मेहमान भी सोच रहे थे कि चाय में रसगुल्ले का स्वाद क्यों आ रहा है। पकड़ा तब जाता है जब चाय में से रसगुल्ले के टुकड़े आने लगते ना, फिर कहता है आजकल ना ग्लोबल वार्मिंग है, रसगुल्ले गिरने लगे। हमारा चंदू तो हर साल घर पे ही दिवाली की मिठाई बनाता है। अच्छा। दिवाली के खोया महंगा हो जाता है तो एक महीना पहले मंगवा लेता है खोया। हाँ फिर इसको क्या है, मिठाई में रंग डालने की ना केसर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मिठाई अपने आप पीली हो जाती है, और जो उसको खाता है वो नीला हो जाता है। बाकी आपको बताइए, अब बड़े बड़े होटलों के शेफ देखो आप, एकदम ड्रेसअप होते हैं, सर के ऊपर कैप होती है, एप्रन होता है, नीचे ब्लैक पैंट, उसके पास पूरा स्टाफ होता है ना अंडर, उसके 20-25 लोग होते हैं। अब नॉर्मल ढाबे पे चले जाओ सड़क किनारे, उनके पास बेचारों को कहाँ स्टाफ होता है, खुद ही होते हैं वो। तो वो इतना अगर टाइम तैयार होने में लगे उनको तो 10 कस्टमर उठ के चले जाए, तो वो फिर फटाफट घूम घूम के रोटियां तंदूर के पास लगा रहे होते हैं। कोई सिर्फ लुंगी पहनी और बनियान, कितनी रोटी, चार नंबर प्लेट पे, चार नान दे के, हाँ दाल, उसका दाल तड़का, हाँ क्या मिस सादी रोटी, नहीं सर नमक वाली, नमक वाली, अच्छा नमक वाली। अच्छा एक वो टाइम बड़ा खराब होता है जब आपको बड़ी भूख लगी होती है और ऑर्डर किया हुआ था आपने, और आपका ऑर्डर आता नहीं, एक बंदा बाद में आया उसका आता है, फिर आदमी उसकी तरफ भी देख रहा होता है। हाँ। तो कभी कभी वो दूर होता ना काउंटर, तो दूर से इशारे कर रहा होता आदमी। खाना आने तक ना बंदा चार बार प्याज को नींबू से नहला देता है, फिर भी नहीं खाना आता ना, फिर नमक में नींबू डाल के चाट रहा होता है। हाँ। नमक नीले रंग का हो जाता है, फिर चाटता रहता है, धीरे धीरे वो बैंगनी रंग का हो जाता है नमक, फिर चाटता रहता है, तब भी खाना नहीं आता, फिर वो उठ के चला जाता है, लेकिन जाते जाते उनके अचार में पानी डाल के जाता है। ये हमारा पांडे है ना। हाँ आपको पता बड़ा डाइट कॉन्शियस है। हाँ, बहुत। आपको लगता है ये चार ड्रम है, ड्रम तीन ही है, चौथा इसका पेट है। ये रेस्टोरेंट में चला जाए ना इसको वेट नहीं करना पड़ता। अच्छा। चला जाएगा ना टेबल फॉर टू पर्सन, कहते सॉरी सर यू हैव टू वेट, कहता नहीं नहीं वेट क्यों, टेबल खाली नहीं, कहता इधर लगाना। हाँ कभी कभी तो बगल वाले को भी देता, कहता आप भी इधर रख लो। आप देखना कभी कभी ना ये खुली शर्ट पहन के आएगा ना तो इसके इसने पेट पे लिखवाया हुआ है, कृपया नींबू निचोड़ के नाभि में ना डाले। एक बार बड़े रेस्टोरेंट में चला गया। हाँ? कहता सर दाल की बाल्टी लेके आऊं, कहता ले आओ। वो लेके आया, बाल्टी थी इतनी सी, छोटी थी, इसको समझ में नहीं आया यार इतनी छोटी बाल्टी। अगली बार फिर चला गया। हाँ? वो कहता दाल की बाल्टी ले आऊंगा, कहता तू सिर्फ दाल लेके आ, बाल्टी में लेके आऊं, नहाने वाली बाल्टी लेके आ। थैंक यू। अच्छा अर्चना जी, लोग आगे बढ़ने के लिए तेज दौड़ते हैं, कई उनसे भी तेज होते हैं, सीधा छलांग लगाते हैं, कई तो उससे भी तेज होते हैं। हाँ। ना दौड़ते ना छलांग लगाते हैं। हाँ। सीधा दूसरे की खींच के उस पे बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। होते हैं ऐसे, अब अपना अपना टैलेंट है। हाँ। क्या करें, हैप्पी प्री दिवाली। लेकिन आज हम छलांग की बात करेंगे क्योंकि इसी नाम से एक बहुत ही मजेदार फिल्म आ रही है, तो चलिए बुला लेते हैं इस फिल्म की लीड कास्ट को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर्स मिस्टर राजकुमार राव एंड नुशरत भरूचा। राजकुमार और नुशरत के लिए जोरदार तालियां। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका ट्रेलर हमने देख लिया है, बड़ा ही कमाल का लग रहा है और बड़ा ही मजा आ रहा है देख के। थैंक यू कमाल, थैंक यू, थैंक यू। फिल्म भी उतनी कमाल की, उससे ज्यादा कमाल किया, जाहिर सी बात है। बिल्कुल
तो आप दिवाली के एक हफ्ता पहले की बहुत बहुत मुबारकबाद. आपको भी दिवाली का एक हफ्ता पहले की बहुत मुबारकबाद. मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, हर एक दिन ही सेलिब्रेट होना चाहिए. बिल्कुल. दिवाली आ रही है, अगले हफ्ते है, तो घर की साफ सफाइयाँ चल रही. हाँ वो तो मतलब पिछले 8 महीने से चल रही है दिवाली की तैयारियाँ. साफ सफाई, बर्तन घिस के रेडी है एकदम, झाड़ू पोछा, कपड़े वपड़े धुल के रेडी है, डस्टिंग हो गई है. वाह. मैंने भी सेम, खुद ही झाड़ू कटका, बर्तन पोछा, एवरीथिंग. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. आइए विराजमान हो जाइए. आज हमने फ्रूट की जगह ड्राई फ्रूट्स रखे हैं. नुशरत, I can relate. टेक पिस्ता आल्सो, काजू आल्सो. मिठाई मुझे पता आप खाएंगी नहीं. नहीं बिल्कुल ही. तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू कपिल सर. आपने सीट चेंज कर ली? नहीं, अगर आप उधर बैठती तो मैं उधर बैठ जाता. मैंने इसीलिए 2 सोफा लगवाए हुए हैं अपने. मैं सीट चेंज करता हूँ, नीयत मेरी सेम है. बड़ी प्यारी लग रही है आप इस साड़ी में. थैंक यू. अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताइए कि छलांग जो आपकी फिल्म आ रही है, ट्रेलर हमने देखा, बड़ा मजेदार लगा, और कुछ बताइए फिल्म के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में. तो फिल्म जो है वो एक पीटी मास्टर है हरियाणा में, एक वहाँ के छोटे से शहर में. उसका नाम महेंद्र सिंह हुड्डा है, पर सब उसको मोंटू मोंटू कहते हैं. तो उसकी कहानी है कि कैसे वो, उसको जिंदगी में कुछ नहीं करने को मिला, तो उसने सोचा कि चलो मैं पीटी मास्टर बन जाता हूँ एक स्कूल में. तो नौकरी लग गई, नौकरी को भी वैसे टाइम पास से ले रहा है कि जिसको कोई पीरियड चाहिए. मैथ्स टीचर आके बोलते थे कि यार मोंटू अब पीरियड दे दे, तो कहते हैं ले ले लो, मौज करो मौज करो. तो उसकी कहानी है कैसे उसकी जिंदगी में फिर एक ये टीचर आती है, तो उसको लगता है कि अच्छा अब लाइफ में कुछ सीरियस होना चाहिए. फिर एक विलन टाइप भी आ जाते हैं हमारे, जो मैं नहीं हूँ, जो ये नहीं है. एक और उनसे जो एजुकेटेड, एक्चुअली विलन नहीं है, ही इज द आइडियल टीचर. ये पता नहीं ट्रेलर में उनके ज्यादा क्लोज क्यों हो रही थी बीच बीच में. जब ये मुझे भी इनसे बात करनी है, मुझे भी इनसे बात करनी है इस बारे में कि ऐसा क्यों कर रही है मतलब. तो फिर जब वो आते हैं तो कैसे इनकी जिंदगी जो है पूरी बदल जाती है. तो बहुत ही एक एस्पिरेशनल, बहुत ही फन, बहुत ही खूबसूरती से लिखी हुई स्क्रिप्ट है. और बच्चे बहुत खास है हमारी फिल्म में. अच्छा जी, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इतना अच्छा उन्होंने काम किया है कि आई थिंक बहुत सालों बाद ऐसी एक फिल्म आ रही है. वाह. Wow. और मुझे आपका एक वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगा, जिसमें आप कहते हैं ना कि वो बोलता है कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, और सोचो हम तो हैं शेर, हम तो हैं शेर, और हमारी गली में शेर भी आके कुत्ता हो जाता है. तो नुशरत, आप इस फिल्म में कंप्यूटर टीचर बनी हुई है. जी. पता है हमारे स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर होती थी, चंदन तुझे याद है? तुझे मुझे याद. हाँ, इसका सब्जेक्ट नहीं था, वैसे ही जाता था उधर घूमने. मेरा सब्जेक्ट था कंप्यूटर. मेरा भी था. वो एक्चुअली कंपलसरी था कि 9th स्टैंडर्ड में जब आ गए तो हमें कंप्यूटर पहली बार हमने देखा. अच्छा, उनके कमरे में ना एसी भी लगा हुआ था. हाँ. तो मुझे लगा शायद सुंदर है, प्रिंसिपल ने इसलिए एसी लगवा रखा है. बाद में पता चला कंप्यूटर को एसी चाहिए होता. हाँ. अच्छा, ऐसी साइंस टीचर भी हो ना, तो बंदा आर्ट्स लेके जानबूझ के इनकी क्लास में बैठ जाए. कितना छोटा मुंह है आपका ना. सीरियसली, मतलब मैं हैरान होता हूँ कभी कभी यार. मैंने बहुत बार राजकुमार को भी बोलते देखा है कि हम तो बड़े फूडी हैं, पर मैं जब इनको देखता हूँ, इनकी फिटनेस देखता हूँ, मैं बोलता हूँ फूड जाता कहाँ है, और कौन सा फूड खाते हो आप? यही बस. किनुआ खाता है. नहीं, मैं सब खाता था. मैं तो वर्कआउट के बाद, जब इंस्टीट्यूट में पढ़ता था एफटीआई में, तो वर्कआउट के बाद जाके मिठाई की दुकान पे हम लोग ऐसे 6 गुलाब जामुन 2 समोसे खा लेते थे. लेकिन जब यहाँ आए तो फिर लोगों ने कहा कि अरे क्या कर रहे हो, ये तो फैट होता है. तो आई थिंक वो एक मेंटल ब्लॉकेज हो गया. और तब तक सब सही था, एकदम पेट भी फ्लैट था, कुछ नहीं होता था. एक्चुअली हमें नहीं पता था ये सब चीजें. डबल चिन का कॉन्सेप्ट हमें यही पता चला. हमारे तो वहाँ ट्रिपल वाले भी घूम रहे हैं. एक यहाँ पे होती, कईयों की चौथी चिन भी होती जो नाभी पे रख के बैठे होते हैं. तो हमें तो ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि मीठे में फैट होती है. इतने मोटे लोग होते हैं. कमाल है. आई डोंट नो. वी डू डोंट नो. लेकिन हमारे बच्चा यादव की डबल चिन बिल्कुल नहीं है. नहीं नहीं, क्योंकि चिन के बाद सीधा छाती शुरू हो रही है ना. अच्छा राजकुमार, हर फिल्म में कुछ नया करते हैं. ये फिल्म में आप पीटी टीचर का रोल कर रहे हैं, तो क्या चीज ने ज्यादा आपको एक्साइट किया? फिल्म की कहानी ने या कैरेक्टर ने? या डेफिनेटली फिल्म की कहानी ने. और फिल्म बेस्ड है हरियाणा में. ओके. और मैं खुद हरियाणा में पला बड़ा हूँ, तो और ऐसे पीटी टीचर मेरी जिंदगी में रहे हैं. तभी वो एक्सेंट भी आपने बड़ा मजा पकड़ा. हाँ, उसके भी एक अपना मजा है कि अरे क्या बात होगी, अरे मोज करो मोज करो, अरे ले लो कोई बात ना. वो प्यार से कर रहे हैं आपसे बात, लेकिन आपको लगता है कि सेट डांट रहे हैं. डांट रहे हैं. और मैं पहली बार जब लव सर को मिला, उन्होंने कहानी सुनाई, और मुझे लव सर का काम बेहद पसंद है, बहुत पहले से पसंद है. मैं हमेशा से उनके साथ कुछ करना चाह रहा था. एंड व्हेन ही नरेटेड मी दिस स्टोरी, आई सेड आई थॉट कि यही है वो जो हमें साथ में करना चाहिए. और फिर हंसल सर आ गए, तो फिर सोने पे सुहागा. क्या बात. अच्छा, मैं पहले पूछना चाहता था. हाँ. ये जो लव रंजन साहब हैं,
इनका नाम वैसे रंजन है, लव इन्होंने जानबूझ के रखा है ताकि हमारी हीरोइन जो मुझे लव लव कह के बुलाएं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इनके अंदर बहुत प्यार है देने के लिए लोगों को। अच्छा, तो इसलिए इन्होंने अपना नाम ही लव रख लिया है। इनको कोई रंज नहीं है किसी के, कोई रंज नहीं। उसके पीछे सर भी लगा दिया है तो वो फुल स्टॉप हो जाता है वहाँ। कहाँ सर लगा दिया? लव के पीछे सर, लव सर। वो तो आपने लगाया ना, हो सकता है वो नहीं, नहीं, सुनते ही ना हो ये बर्ड। कितना छोटा मुंह है यार। सीरियसली मतलब क्या डाइट कर करके फुल बॉडी बना रही हूं, इनको छोटा मुंह लग रहा है। नहीं पर आप अच्छा है ना ये, मतलब तो वो भी बोल दो ना, छोटा मुंह बहुत अच्छा है। तो ये जो आपने गले में पहना हुआ नेक पीस, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। अपने पहना है कि फंसा हुआ है? पर बहुत ब्यूटीफुल लग रही है नुसरत आप। अच्छा, राजकुमार जो है वो पीटी टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, और मैंने देखा छोटे शहरों में जहाँ पे हम भी पढ़े हुए हैं, पीटी टीचर की ना खास अहमियत नहीं मानी जाती थी। और पीटी टीचर मैंने देखा कई बार तो बल्ब चेंज करते हुए देखे मैंने स्कूल में, इलेक्ट्रिशियन भी वही बने हैं, एक बार तो मैंने देखा पेंट फोल्ड करके पानी की टंकी भी साफ कर रहे थे। तो मुझे लगा शायद ये सब कुछ पीटी में आता है। और दूसरी बात, जो मैथ साइंस के टीचर होते हैं ना, उनको रिश्ते पहले आते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता होता है कि तो ट्यूशन भी ले लेगा, पीटी वाले से कोई ट्यूशन भी नहीं लेता। लेकिन अब माहौल बदल गया। आप देखो अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में देख लो, अगर फॉर एग्जाम्पल हर एक एक्टर या एक्ट्रेस जो है वो अपने साथ एक पर्सनल ट्रेनर लेके चलते, तो बड़ा सैल्यूट है यार इन लोगों को, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। और हमें भी, मेरी भी दोस्ती है आजकल एक दो पीटी से, पर होना चाहिए आदमी को फिट। जैसे हमारी अर्चना जी हैं, ये बॉलीवुड में आई स्पोर्ट्स कोटे में। अच्छा। हाँ। कौन से स्पोर्ट? इनकी पहली कुश्ती दारा सिंह साहब के साथ हुई थी। अच्छा नुसरत, राजकुमार तो खुद हरियाणा से है, तो इन्होंने तो बड़ा अच्छा एक्सेंट पकड़ा, और आप भी बड़ी मजेदार हरियाणवी बोल रही हैं। थैंक यू। तो राजकुमार ने हेल्प की आपकी? हाँ, मेरी सबसे पहले डिक्शन क्लास राज के साथ थी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा था कि इन्होंने अपने दिल से, हंसल सर ने कहा था कि एक काम करो राज के साथ बैठ जाओ, उसके साथ पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लो, बता देंगे क्या करना है। तो हंसल सर ने अपने मन से कहा था कि आपने कहलवाया था उनसे? हाँ ये बताओ, ऑनेस्ट मैन, क्योंकि फिल्म अच्छी बननी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। और हंसल साहब के साथ मेरे ख्याल से आपकी पांचवी फिल्म है ये। सिक्स्थ। हाँ। तो आपको डायरेक्टर इतने अच्छे लगते हैं कि उनके पास आपका कोई वीडियो है? मेरे पास उनका एक वीडियो है। अच्छा आपकी फिल्म क्योंकि एक स्कूल की कहानी है, आप दोनों टीचर का किरदार निभा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ सवाल है जो मेरे नहीं होते, ये आपके फैंस ने जो होते हैं वो भेजे होते हैं, तो हम लोग पूछते हैं अपने गेस्ट से। कभी क्लास में अपने टीचर के ऊपर क्रश हुआ है तुमको? हुआ है? नहीं। मतलब लड़कों को ज्यादा होता है आई थिंक। या तो पीटी टीचर भी हॉट नहीं था। नहीं पर मैं जानता हूं, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनका, हमारे जो टीचर्स थी उनके उन पे क्रश था। हां मतलब मेरा नहीं, बड़ा बड़ा, क्योंकि मैंने अपनी ऑलरेडी एक चुन ली थी स्कूल में। हां सर, तो स्कूल में तो गर्लफ्रेंड हो जाती है ना। को एड में पढ़ते हो ना, हम तो एक दूसरे के साथ पढ़े हैं देख लो। ओके, कभी क्लास में छुप छुप के टिफिन खाया है चालू क्लास में? बहुत बहुत। यस यस। आपने? हाँ हाँ हाँ। लगता नहीं है अभी, तब खाती थी तब। हमने खुद का छोड़ के बाकियों का भी खाया पूरी क्लास का। दिख रहा है पीको। अच्छा बोरिंग सब्जेक्ट का पीरियड वॉशरूम जाने के बहाने बंक किया हो? हाँ किया। नॉट जस्ट वॉशरूम, बहुत बहाने सोच लिए थे तब तक। कौन सा सब्जेक्ट बोरिंग लगता है आपको? बोरिंग लगता था, मतलब बोरिंग भी लगता था और समझ भी नहीं आता था। जब तक नंबर से मैथ में 1 2 3 ये सब, जब मैथ में ABC आ गई ना। हाँ। तो मैथ में तुम इंग्लिश क्यों घुसा रहे हो? मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये फिर बहुत समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है ये, मतलब क्या करें। अच्छी बात है, मैथ समझ में आता तो आज कहीं CA होते। सही बात। अच्छा है ना, नहीं समझ में आज आप इतने बड़े एक्टर बन गए। आपको क्या? फिजिक्स। ये तो फिर साइंस हो गई ना। हां मतलब बट वहां तक तुम गए नहीं, हमारी रेंज ही नहीं है। मैं तो अपने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पूछ रहा था, वो आप में से कोई जवाब देना चाहता? हमारा ज्योग्राफी में प्रॉब्लम था यार थोड़ा। क्या? हमसे पूछे के भाई गंगा नदी कहाँ बहती है, हमने कह दिया था जमीन पे बहती है यार, जमीन पे और कहाँ। फिर हमसे कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैप पे कहाँ बहती है, हमने कहा यार मैप पे नहीं बहती, मैप पे बहेगी मैप भीग नहीं जाएगा। ऐसा होता है, होता है। चलो कोई बात। पूरी क्लास के सामने कभी पनिशमेंट मिली हो? बहुत बार। लड़कियों की पनिशमेंट क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा आप बाहर चले जाओ, नहीं कोने में खड़े हो जाओ ऐसे हैंड, ये पनिशमेंट बोलते हो आप इसको? कोने में खड़े हो जाओ। हाँ। कभी पीटी टीचर के डंडे खाए तुमने? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, 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 पनिशमेंट। बट लड़कियों को तो डंडे पड़ते भी नहीं है। हाँ, वो भी है। अरे हमारी तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हो गई थी ना, ये चंदू हमारा ये तो हाथ यहाँ से निकाल के ना कान पकड़ते हैं ना, इसने और क्रिएटिविटी दिखाई, इसने एक घुमा के एक राउंड लेके फिर यहाँ से
ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ये फैक्ट है. हम कान पकड़ते थे, नीचे से मुर्गा बनते थे, लेकिन हमारा टीचर इतने वो थे, कहते थोड़ा इसको डिग्गी भी ऊंची करो. हाँ. तो वो पीछे से ऊंचा करके ऐसे करके, अच्छा ऐसे कर लेते थे हम. आप चीटिंग नहीं कर सकते, कहते हैं भाई ऐसे ऐसे करना है. और उसके बाद नेक्स्ट लेवल चलना, उसके बाद कहते हैं पूरा घूमो. अरे और सोचो इसीलिए तो इम्यून सिस्टम इतने अच्छे हैं हमारे. इसके साथ हमारे सवाल समाप्त होते हैं. कप्पू एक मिनट, मेरे को ना कुछ दिवाली का सामान खरीदने के लिए जाने का है. अच्छा तो मैं इसको लेकर जाऊं जा बच्चा को? हाँ लेके जाओ. बच्चा चलना मेरे साथ, हमारा चॉइस अच्छा है इसलिए. अरे आ जाना. अरे चलो चलो, मिठाई संभाल के रखना ब्रो, हम आके खाएंगे. ब्रो हम आ रहे हैं. भाभी ये क्या कर रही हो? दीदी, अरे दीदी, क्या हो गया? भाभी, दीदी के बच्चे तेरे ऊपर फेंक के तेरा आटा बना दूंगी. भाभी कर क्या रही हो ये? देवर जी खबरदार, मुझे कूदने से रोका था. नहीं 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 नहीं, पर ऐसा कर क्यों रही हो भाभी, हुआ क्या? अरे मैं छलांग मार के इनकी फिल्म की प्रमोशन कर रही हूँ. नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसी प्रमोशन नहीं चाहिए. आप प्यार से प्रमोशन करो ना. और ये वाली छलांग वो थोड़ी फिल्म है, ये वाली छलांग है जो जिंदगी में आगे बढ़ने में छलांग. मुझे पता था, मैं तो ऐसे ड्रामे कर रही थी. देवर जी मैं ना रुको अभी नीचे आती हूँ, तब तक दो तीन सवाल पूछ लेना, क्योंकि मुझे सीढ़ियों से उतरने में थोड़ा टाइम लगता है ना. आई एम लिटिल बिट थोड़ा सा मोटी. मैं आती हूँ अभी, रुको. भाभी मेरी बात सुन, ये मेरे वो क्या होता है, सीधा नाम क्यों नहीं लेती राजकुमार? आई मैं मर गई. देवर जी हमारे में उनका नाम नहीं लेते. शर्म करो, आप शादीशुदा हो. तो क्या हो गया मैं शादीशुदा हूँ? ये भी तो राजकुमार है, और राजकुमार 100-100 रानियों से शादी करते थे. और मेरे जैसी कड़क और हॉट रानी कहीं मिलेगी? कहीं नहीं. नहीं ना, इस साइड से देखो, मैं नुशरत भरूचा लगती हूँ. ऑलमोस्ट. भरूचा तो नहीं, बगीचा जरूर तुम लग रही हो भाभी. हूँ मैं बगीचा, लेकिन देवर जी एक बात याद रखना, फूल बगीचे में ही खिलते हैं. यही बात अगर तुम्हारे पति को पता चल गई ना, वो बगीचा उजाड़ेगा तुम्हारा. भाई मैं मर गई. एक तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ताऊ जी, और सॉरी अर्चना जी, सच्ची में कहूँ मैं जब भी किसी हैंडसम लड़के को देखती हूँ ना, अपने पति को भूल जाती हूँ. वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने ना उनके साथ चार ही फेरे लिए हुए, तीन पेंडिंग है. अगर आपकी फिल्मों में से आपको थोड़ा सा टाइम मिले और तीन फेरे लेके आप मेरे छोटे से पति बन सकते हो. वो मैं तो भूल ही गई. मुझे ना दिवाली की पार्टी की शॉपिंग करने बाहर जाना था. लेकिन दिवाली मनाने में तो अभी टाइम है. तो क्या हो गया, टाइम है? घर की सफाइयां तो पहले शुरू हो जाती है ना नुसरत. मैंने कल आधे घर की सफाई की, मुझे ना बेड के नीचे से दो बच्चे मिले. क्या क्या क्या? बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के. मैं ऐसी माँ नहीं हूँ, मैं अपने 9 के 9 बच्चे से स्वार के तय करके अलमारी में रखती हूँ गिन के. आपके तो 11 बच्चे हैं. हाँ वही, मेरे 11 थे ना. हाँ तो ओ माय गॉड, इसका मतलब वो दो बच्चे जो मिले थे वो बिल्ली के नहीं मेरे थे. मैं अभी उनको वापस लेके आती हूँ, मैंने जिनको दिए. नुसरत मुझे जरा अंधेरी तक छोड़ दोगी? वो क्यों छोड़ देगी आपको अंधेरी? जो लड़की प्यार का पंचनामा में और सोनू के टीटू की चूटी की चूटी में अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ सकती है, वो मुझे छोड़ने में उनको क्या दिक्कत होगी? वैसे मैं एक बात कहूँ भरूचा बहन, मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं जो बड़ी हूँ ना तो मैं टॉप की एक्टर बनूँ. तो फिर बनी क्यों नहीं? बड़ी हुई कहाँ, मैं छोड़ी होगी ना. भाभी चलो बहुत हो गया तुम्हारा, अभी जाओ आप. ऐसे कैसे चले जाऊँ राजकुमार जी से मैंने कोई बात ही नहीं की. राजू राजू आप गुरुग्राम से है ना? हाँ गुरुग्राम. तो अब जब आप गुरुग्राम जाएंगे ना, तो गुरुग्राम से आते वक्त ना मेरे लिए 100 ग्राम बादाम लेकर आना. 100 ग्राम गुरुग्राम से बादाम? बादाम गुरुग्राम, 100 ग्राम बादाम. फिर आप इंस्टाग्राम पे डालेंगे. शर्म नहीं आती गेस्ट से डिमांड करते हुए? तो क्या डिमांड से गेस्ट कर दूं? ये क्या मतलब हुई? हम कोई भूखे नहीं है, बादाम मेरे पास भी दे. मेरे सारे के सारे बादाम गुम हो गए. कैसे गुम हो गए?
वो ना उनके साथ कुंभ के मेले में गई थी तो भीड़ भड़क के में ना उंगली छूट गई। कैसे गुम हो गए, रख के भूल गई, कैसे गुम हो गए, ये क्या बात होती है। भाभी बोल ली सारी अपनी बातें, अभी है बाकी? अभी है डेढ़ दो घंटा। लेकिन मैं करूंगी नहीं, बातें तो होती रहेगी, ये लोग थोड़ी बार बार आते हैं। वो जो मेरा बचपन का सपना था ना, जिसमें मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, या तो वो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब पूरा कर लूँ, आप दोनों आए हो है ना। और देवर जी आप मेरे भाई बन सकते हो? हाँ बनेंगे। और आप राजकुमार जी वो लड़का हो जो मेरे भाई से मेरा हाथ मांगने आए हो। सिर्फ हाथ? हाँ सिर्फ, अरे पूरा हाथ भी मिलेगा। और नुसरत आप ना मेरी छोटी बहन बन जाओ। अच्छा। नहीं नहीं मेरे को नहीं करना ये सब। नुसरत मेरी भाभी बनेगी। तो मैं क्या बन रहा हूँ भैया? तो बताओ क्या कर रहा है। चलो फिर किस्ता मांगने बाहर से आओ ना, रिश्ता। अच्छा, हाँ, लेके वो रिश्ता लेके आना। तो ये मेरी वाइफ है। हाँ ये आपकी। चलिए आज के दिन बन जाते हैं। भैया लगता बस के नीचे बिल्ली आई है बाहर। हेलो, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ जा करो, यहाँ अंदर आने की क्या जरूरत थी? भैया मेहमानों से ऐसे बात नहीं करते। तो मेहमान को भी ऐसे घर की बेल बजा के आना चाहिए ना, ऐसे सीधा अंदर घुसा है वो। बेल बजाई ना? बेल बजाई लेकिन हमने तो नहीं ना खोला। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बेल बजाऊं। हाँ ठीक है ठीक। हमने सुनी नहीं, हमने सुनी नहीं, हमने सुनी। हम अपनी बात कर रहे हैं भाई साहब। देखिए पहली बात तो यार आपको आने की बड़ी जल्दी, थोड़ा हमें भी तो टाइम दो, पूरी फिल्म करके आयो, दो मिनट की फिल्म हमें भी तो चलने दो। और पीछे से? हाँ और पीछे से। यस बेबी। तो हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? ऊपर चले? नहीं मतलब स्विट्जरलैंड चलते ना, और ऊपर, वहाँ बहुत ठंड होती है ना। ठंड का क्या है, एक एसी और लगवा लेते हैं, ऊपर से फ्रिज खोल लेते हैं। पैसे तो उसमें भी लगेंगे ना। बेल बजी, दरवाजा खोलो, बेल बजी, दरवाजा खोलो। वेरी गुड भाई साहब, ये किसी और की बज रही है, हमारा घर है ही नहीं। अरे ये आप ही का घर है और हम राजकुमार हैं, हम जिस घर में जाते हैं ना वो घर आपका हो जाता है। देखा भैया, चाय पानी कुछ पूछो, हमको अकेले में बातें करने के लिए भेजो। अकेले में बातें करनी थी तो बाहर जाके करके आती, घर क्यों लेके आई? बहन पैसे हाथ में उठाओ मेरे सामने। अरे मुझे ऐसे पकड़ना था। अच्छा मुझे लगा कि टक्कर ना हो जाए। आप मुझे ले जाओ, आप भी मेट्रो का काम करते हो ना, मैं भी आपके साथ कर लूंगी। मैं रुखी सुखी खा लूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वैसे आप करते क्या? मैं एक्टर हूँ। काम क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। फालतू बातें करते हैं। हम उन फालतू बातों का जवाब देते हैं। तो कमा कितना लेते हैं आप? कमा तो बस क्या बताऊं, इतना कि जिससे प्यार करता हूं उसे दो तीन बार साल में स्विट्जरलैंड ले जा पाऊं। एक मिनट, पतली सी लड़की, ये ए के साथ जो डब्ल्यू ओ बीस की है ना, सिर्फ मेरा हक है कि राजकुमार की हर बात पे ओ मैं करूं। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। क्या 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 आप कौन? आप अच्छा हो गया, आप टाइम पे हो। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कह रहे ये मुझे पकड़ रहे थे, मुझे इतनी जोर से पीठ पे टैक्स भी मारे। राजकुमार जी मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या चल रहा है, ये कम सिंह सी लड़की देखी नहीं कम? सुनो कम सिंह नहीं, ज्यादा सिंह। चलो 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 बस बहुत बात यही खत्म करो, ये लो चार बादाम, बात यही रफा दफा करो। हुई ना बात। चलो चलो आओ हमारे साथ बैठो, ये नहीं चलेगा, चलिए ये यहाँ पर आओ। दीदी क्या चला? लो लो लो, मजा ही आ गया। क्या बोली आप? आगे तो मजा ही आ गया। ये हुई ना बात, चलिए चलिए कोई नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, हम हैं अब, कंटिन्यू कीजिए। निश्चित, वैसे हमने ये पता किया है, हमारी वी हैव अ वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ वन पर्सन, जिन्होंने हमें ये बताया है कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, हाँ, आपके मम्मी पापा दोनों आपको फॉलो करते हैं, तो आपकी पिक्चर्स पे कमेंट्स लाइक भी करते हैं या खाली आप पे नजर रखते हैं?
उनके सवाल ज्यादा होते हैं. मतलब मैंने अगर किसी एक दिन पे स्टोरी डाल दी किसी पार्टी की जहाँ हम सब साथ डांस कर रहे हैं मजे कर रहे हैं, तो अगले दिन सवालों की लिस्ट आ जाती है. अच्छा. कि कौन कहाँ क्या कैसे. एंड मैं एक सेकंड के लिए सोचती हूँ कैसे पता चला कैसे पता चला, फिर याद आता है कि ओ इंस्टा स्टोरी. ब्लॉक कर दो उनको. ऐसे नहीं कर सकती. नहीं 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 नहीं, घर से एंट्री बंद हो जाएगी मेरी. नहीं नहीं, मेरी मम्मी को तो पता ही नहीं अभी इंस्टाग्राम का. हाँ. एक अच्छा बार मैंने फोटो खींची मम्मी की, कहती बड़ी अच्छी आई है इसको फेसबुक पे डाल दे. मैं कहा किसके फेसबुक पे, कहती तेरा होगा ना. मैं कहा मम्मी मतलब वो आपकी फोटो क्या किस हिसाब से, उसको कुछ नहीं पता. इंस्टाग्राम भी दिखाऊंगा मम्मी को मैं. राजकुमार का भी इंस्टाग्राम अकाउंट हमने देखा, इन्होंने लिखा हुआ है एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ इन दिस ब्यूटीफुल फिल्म कॉल्ड लाइफ. उक्त पंक्तियों से कवि का क्या तात्पर्य है? सर प्रसंग व्याख्या चाहिए आपको. देखिए यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि जिंदगी जो है वो एक वो बहुत खूबसूरत है और उसमें आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं अपने आप के बारे में, दुनिया के बारे में आप एक्सप्लोर कर रहे हैं. right. और एज आर्टिस्ट तो ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है. बिल्कुल. जहाँ पे हर किरदार के साथ आप कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, तो वही है दिस एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ इन दिस ब्यूटीफुल फिल्म कॉल्ड लाइफ. वाओ. ये ना बड़ी देर बाद सुना हमने ना, कवि ये कहना चाहता है. राजकुमार अपनी लाइफ तो आप एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, अगर आपको किसी और की लाइफ एक्सप्लोर करनी हो, आई मीन टू से किसी की बायोपिक करनी हो, तो किसकी बायोपिक करना चाहेंगे आप? एक्चुअली ऑलरेडी बन चुकी है और अजय सर ने बहुत अच्छा काम किया उस फिल्म में, पर मैं भगत सिंह से बहुत फैसिनेटेड. वाह. तो मुझे बहुत मन है कि मैं भगत सिंह जी की बायोपिक करूँ. वाह. एक्चुअली निशद मैंने सुना है कहीं से, उड़ती उड़ती खबर मिली है. बहुत बड़ी रिसर्च टीम जो है, वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ वन पर्सन. तो उन्होंने हमें बताया कि आप लोगों का दिमाग पढ़ने में बड़ी माहिर हैं. अच्छा. खाने में कि पढ़ने में? दिमाग पढ़ने में. पढ़ने में. तो अभी मैं आपको एक बंदा दिखाता हूँ, वो ये जो चंदू जो छुप रहा है, ये मुर्गा वाले. हाँ हाँ. अभी इनका देख के बताइए कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है. वो सोच रहे हैं कि वो उस चेयर पे क्यों बैठे, इस चेयर पे क्यों नहीं बैठे. बच्चा यादव के दिमाग में क्या चल रहा है? वेफर हो गया, बादाम हो गया, बर्फी. बर्फी बची हुई है. करेक्ट आंसर. और उनकी जो पत्नी है इस तरफ, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? उनका दिमाग बंद है. Black. कुछ नहीं चल रहा. कुछ नहीं चल रहा. वेरी करेक्ट आंसर. वो कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ खा रही है. Exactly. और एक लास्ट, ये जो उसके साथ बैठी हुई है भूरी, बताओ. हाँ. इनका दिमाग है कि नहीं? नो. मतलब इनके दिमाग में क्या चल रहा है? सॉरी क्वेश्चन, टंग ऑफ स्लिप हो गया. उसके दिमाग में चल रहा है दीदी. 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 बताओ बताओ हमें बात. हमें तो इतना अच्छा लगा जान के कॉलेज भी गई है ये. मतलब तो नुशरत मेरी सीनियर थी कॉलेज. जूनियर. गाइस ये टंग ऑफ स्लिप हो गया. पर राजकुमार के बारे में हमने एक और बात सुनी कि ये 16-17 साल की उम्र थी इनकी जब ये मुंबई भाग के आ गए थे, वो भी डांसर बनने पहले. Really? भाई ये बात सच है? हाँ ये सच है. मैं बूगी वूगी आता था उस टाइम, इसी चैनल पे आता था, सोनी पे आता था. तो वो आते थे कि नेक्स्ट ऑडिशन, ये वो जावेद साहब और ये सब नावेद साहब से बोलते थे. हाँ, रवि बैल. तो मुझे बहुत शौक था, मुझे मुंबई देखना है. तो मैंने एक दिन ऐसे फोन घुमाया एसटीडी जाके, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑडिशन चल रहे हैं, आ जाओ आप. तो मैं उस टाइम 16 साल का था, आई थिंक 17 साल का, और मुझसे और 4 साल छोटा मेरा भाई है अमन. हम दोनों ने ऐसे कहीं से पैसे जुगाड़ किए और ट्रेन की टिकट कटाई और हम पहुंच गए. कुछ 2.5 दिन लगे बॉम्बे पहुंचने में. तो हम लोग आ गए थे, तो बूगी वूगी में तो नहीं हुआ सिलेक्शन. तो आई थिंक अच्छा ही है नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर वाले का कुछ और प्लान था. लेकिन मैं शाहरुख सर के घर के सामने बैठा रहता था घंटों. अच्छा. मेरा भाई इस बात से बहुत परेशान था, तो वो छोटा 12 साल का, उसको कहता है हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, एक घर के सामने क्यों बैठे हुए हैं पिछले 7 घंटे से. मैं तो नहीं, शायद ना दिख जाएंगे तो बैठे रहते हैं, अच्छा लगेगा. तो वो तो नहीं दिखे, पर गौरी मैम गाड़ी के अंदर से ऐसे एक बार निकलते हुए दिखी थी, तो लगा था कोई अपना जा रहा है. पर आपने बताई कभी उनको ये बात? उनको पता ये बात. यस. आपको पता है राजकुमार के बारे में एक और हमने पाजी, ये सर्च बड़ी तगड़ी हुई है. हाँ. कि आप कहते हैं मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं. नहीं नहीं नहीं, मैं पहले करता था. अच्छा. पहले मुझे पकड़ पकड़ के करवाते थे लोग, इधर वो कर, वो सीन करके दिखा, वो सीन करके दिखा. पर अब आई थिंक अब थोड़ा. अरे भाई यार. अरे यार.
मैं कहता हूँ एक काम करते भाई, आज सब मिमिक्री करते हैं। हाँ सब करते हैं, आप भी करो। चंदू बहुत अच्छी करता है। कम इन फ्रंट। हाँ ये है ना, ये वाला। अच्छा हम लोग यूथ फेस्टिवल होते ना कॉलेज के, इंटर कॉलेज का स्टेज पे, तो बहुत पॉपुलर था वहाँ पे। मैं सर एक आवाज सुनाऊंगा। कौन सी? कमल हसन सर की। दैट्स अ टफ वन। फैबुलस। वाह। तो सागर मूवी का सीन है। मैं करूंगा। नहीं नहीं मोना मोना मोना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मुझे मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी क्या बात है। चंदन थोड़ी सी अमरीश पुरी साहब सर, मैं कर यार, मजा आ रहा है। चंदन एक कर दे। कपिल तू करता है बहुत अच्छा, अमरीश जी। ओह गुलाटी के बच्चे। मैंने चंदन से एक्चुअली सीखी है थोड़ी बहुत, जितनी भी आवाजें हैं मैं इससे बहुत ये निकालता रहता था स्कूल कॉलेज में। पर कमाल है, चंदन कुछ अच्छा भी कर सकता है। अभी सर से, सर आप प्लीज एक। मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद। वाह वाह क्या बात है। और एक थोड़े पुराने वाले थे जो जिनकी लोग बहुत मिमिक्री करते थे। मैं देवदास की एक्चुअली बहुत मिमिक्री करता था। मैंने कुछ 6-7 बार वो फिल्म देखी थी। आज के बाद मैं इस चौकट पर कभी नहीं आऊंगा। क्या बात है। पर पारो की याद आएगी तो आऊंगा। यार सुरीला बंदा ऐसे नहीं, मतलब ये जो दोनों आवाजों में वेरिएशन दिया, पहले वाकई शाहरुख भाई अभी जो इतना बेस है, पहले पहले लोग जब उनकी मिमिक्री एक्चुअली करते भी थे तो लोग जब मिमिक्री करते हैं वो थोड़ा एग्जैजरेट भी कर लेते हैं, पर आपने बड़ा बड़ा नेचुरल किया। थैंक यू। अब रजा मुराद साहब, इससे पहले कि आप पहचाने ना तो मैं खुद बता रहा हूँ। आइए आइए नुसरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाराजी की वो हमेशा एक बात बोलते थे, वो पुलिस नहीं बोल पाते थे पंजाबी में ना, सरदार लगता है पुलिस के आदमी। पुलिस के आदमी सपना, ये क्या कर रही, कूद कूद के क्यों आ रही तू? छलांग वाले आए ले ना, तो कूद कूद के ही आएगी। वेरी नाइस है, आई बिग फैन यू। थैंक यू, वी आर आल्सो बिग फैन। ओके, मैंने छलांग देखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। चल झूठी, अभी तो रिलीज भी नहीं हुई, तूने कहाँ देख ली? नहीं, एक आदमी ने छलांग लगाई ना उधर नदी में, उसकी छलांग देखी, वो बोल रही है मेरे को अच्छा बच्चे दे रही थी। जस्ट किडिंग, वेरी नाइस। बच्चे दे रही नुसरत, आप है बहुत खूबसूरत। बस ये राइमिंग जोड़ जोड़ के ना फालतू की बातें करती है ये। हाँ तो तूने बातें जोड़ जोड़ के करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली, मैं कुछ बोली तेरे को? मैंने दो बातें का जोड़ ली, इसको प्रॉब्लम हो रही है। आज के एपिसोड में मैं ऐसे ही बात करेगी देखना, और ऐसी बात क्या कर रहा? कुछ नहीं, तू बात करके देख। और ऐसी बातें करके मैंने इनसे ताली न बजवाई ना तो मेरा भी नाम सपना नहीं। अरे वाह, अभी ताली बजा देना। अभी क्या हुल दे दिया ना, नहीं तो मेरा वर्ड खराब हो जाएगा। बजाते रहिए बजाते रहिए। वाह वाह, आए सपना। कपू हाँ, हाय नहीं बोला, मेरे को बीच में डिस्टर्ब करने का था इसको, मेरे को मालूम है। कपू मेरी कपू मेरी जिंदगी की तेरे टाइम पे भी मैं इसे नकली ची हंसती बड़ा है इधर हंस रहे ले। कपू मेरी जिंदगी की एक ही हसरत थी कि मैं नुसरत को कसरत करते देखूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं है लाइफ में। देखो मैंने कैसे बातों को जोड़ लिए थे। नुसरत जी, मैं आपका बहुत बड़ी फैन है, मैंने आपके लिए पूरी रात जाके पेंटिंग बना ली। अच्छा हाँ, नुसरत कहाँ दिख रही है इसमें? तो घर के अंदर है ना, बाहर आएगी तभी हेलो बोलेगी। तुरक, मैं आपको बोली थी ना ताली बजाने के, ताली। बहुत अच्छा लगा। बट ये कौन है? ये कौन है? ये इनका बॉय है। अच्छा। अभी मैं वैनिटी के बाहर देखे ऐसे ही खड़ा रहता हूँ। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। और मैं आपकी बहुत फैन है, राजकुमार नाव जी।
नाव जी नहीं, राजकुमार राव जी। नहीं नहीं नाव ही है। क्योंकि जो बंदा अपने एक्टिंग के दम पे बड़ी बड़ी फिल्मों को डूबने से रोक सकता है वो आदमी राव नहीं नाव ही हो सकता है। अच्छी बात बोली ना मैं। अच्छी है, ताली है। ताली। मैं इसे ताली मौके पे चापलूसी भी कर लेती हूँ। पहले क्या मेरे को बहुत ईगो था, तब मेरे पास एक आध दो फ्लैट ही थे। जब से मैं चापलूसी वाली लाइन में आई ना, 8-10 फ्लैट खरीदे मैंने इधर लोखंड वाला में। मेरे को आपका पिक्चर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अच्छा फिल्म किए ना ये। हाँ। आपकी पिक्चर आई थी वो बरेली की बर्फी जी, है ना, फिर आपकी पिक्चर आई थी शिमला मिर्च। हाँ। अभी आपकी एक और पिक्चर आ रही रू अफजा। तो हाँ, तो मेरे को पूछने का था, मुझे ना जीरा पाउडर खरीदने का है। तो मैं किराने की दुकान पे जाऊँ कि अगले एपिसोड में आप ही लेकर आएंगे इधर? मेरी जब बातें खत्म हो गई अभी अभी मैं आपको तेरे को नहीं पार्लर दिखा रही, उनको उधर हाथ दिखा रहा है मेरे को। मेरा इधर पार्लर है, सपना ब्यूटी पार्लर। हाँ, सपना ब्यूटी पार्लर। अलग अलग टाइप का मसाज रहता है हम लोग के पास में। हाँ, सुना मैंने आपके बारे में। हाँ, तो ये आपका पिक्चर आ रहा है छलांग, इसमें आप पीटी टीचर बने लेने। हाँ, तो हमारे पास आपके लिए पीटी मसाज है। अच्छा, क्या पीटी मसाज? क्या इसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर को तेल लगाते और उसको लिटाते, फिर मैं चाय मंगाती है, पानी मंगाती है, लस्सी मंगाती है, और इन सब चीजों को मिक्स करती है और मैं पीती है। ऐसा है पीटी मसाज। पीटी मसाज मजा नहीं है आपको? बहुत मजा नहीं है। मजा नहीं आया? कोई बात नहीं, आप एक हफ्ते का टाइम दो, एक हफ्ते बाद नया बना के सुनाएगी। लेकिन इसका मेरे पास एक और वर्जन है इसका। एक और वर्जन है। हाँ, इसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर को तेल लगाती है, फिर मैं चाय मंगाती, तो कस्टमर बोलते है नहीं मेरे को कॉफी मांगता है, मैं बोलती नहीं तेरे को मसाज चाहिए ना, तो पीटी। ओ, ये बेटर। ऐसे रहते हैं हम लोग। तू हफ्ता ले ले आराम से आ। तेरे को बड़ा मजा आ रहा है ना। बस आपका एक और पिक्चर आया था न्यूटन पिक्चर। हाँ। तो हमारे पास न्यूटन मसाज है। उसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर के उसके तन पे तेल लगाते, तन पे। ओ। हाँ। और फिर मैं ऐसा तेल लगा के घसती है, घसती है, घसती है, घसती है, घसती है। कब तक घसती घसती? जब तक उसका तन न्यू ना हो जाए। न्यू ना हो जाए। न्यूटन। मजा नहीं आया? आज गेस्ट में प्रॉब्लम है। राजकुमार जी, मेरे जाने का टाइम हो गया। तापसी है ना हिरनी। हाँ। हाँ, उसका पन्नू मेरे को वापस करने को जाने का। अभी पिछली बार क्या, वो अन्नू कपूर आए थे। हाँ। वो अन्नू अन्नू छोड़ गए और उसका तन्नू साथ में लेकर चले गए। पन्नू पन्नू आप पन्नू सॉरी क्या कंफ्यूजन। अन्नू कपूर जी आए थे जी, वो अपना अन्नू छोड़ के नहीं, पन्नू लेकर चले गए। तो वो वापस कर, तो अभी वो तापसी पन्नू के बिना उसका मन्नू नहीं लगता है ना। तो मैं अन्नू से पन्नू लेके तापसी को पन्नू देकर आती हूँ। अच्छा। okay, एक बार राजकुमार और नुसरत के लिए जोरदार तालियां। आइए से आइए भाई। राजकुमार, नुसरत, आप दोनों को छलांग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और उसके बाद आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए। थैंक यू, बहुत मजा आया। प्री दिवाली पार्टी का थैंक यू सो मच। थैंक यू कपिल, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू भाई। आइए, थैंक यू, चलो। थैंक यू, बाय बाय बाय। ओए बदतमीजो, ये क्या कर रहे हो? अरे रखो इधर, ये मेहमानों के लिए है। रखो इधर, क्या क्या उठा? अरे सॉरी, काजू तो टूट गया, इसको जोड़, वापस जोड़। ये जेब में डाल रहे हैं। सपना, अरे तो ठीक है यार, रख लो यार, क्या करोगे, रखो। एक किशमिश ले लूं? रख इधर, रखो इधर। चलो रख दिया सब कुछ यार, चलो। हां बस बस, चलो उधर। हां हां हां,
ये वहाँ यार मैं जरा जाती हैं। हाँ जाओ जाओ। दो मिनट के लिए इनको खुला छोड़ देना, पूरे मोहल्ले की बेइज्जती करा दे ये लोग। अर्चना जी वैसे तो हम एक दिन में दो पार्टियों को भी इनवाइट नहीं करते, लेकिन ग्लैमर सामने से आ रहा हो तो हम मना भी नहीं करते। हाँ, तू तो बिल्कुल मना। आज जो दो खूबसूरत मेहमान हमारे बीच पधार रहे हैं, वो दिखने में तो खूबसूरत हैं ही, आवाज भी उनकी बहुत खूबसूरत है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा वेरी चार्मिंग वेरी ब्यूटीफुल एक्टर डायरेक्टर दिव्या खोसला कुमार एंड वेरी टैलेंटेड सिंगर मिस्टर दर्शन रावल। तुम लोगों को किसने कहा मेहमानों के साथ आगे नाचने को? इधर आओ भाभी, इधर आओ, इधर आओ, रखो इधर काजू सारे, छोड़ो इधर। बोलती मैं डाइटिंग कर रही हूँ, ये देख ये होती डाइटिंग वाली लड़कियां। रखो इधर सारी किशमिश। हाँ, रख दो, रख दो, निकालो, कोई नहीं, दो? कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। सॉरी दिव्या जी, ये हमारे ना पड़ोसी हैं। थोड़े क्या बता ही देता हूँ, बहुत भूख लग। ड्राई फ्रूट बना के ना उधर चलो, ये चलो सकते हैं। जोरदार तालियां दिव्या जी के लिए और दर्शन के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। दिव्या जी आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर कि मैं वापस आपके शो में आई। पिछली बार आपने इतना अच्छा मेरा एपिसोड किया था। दिव्या जब ये आप गाने बनाती हैं तो आपको ये पैशन है कि आपको हमारे शो में आने का चस्का लग गया है? चस्का लग गया। अच्छा चस्का है, लगा रहना चाहिए। हाँ। और दर्शन जो है पहली बार हमारे शो पे आए, हालांकि इनकी लड़कियों में बड़ी फैन फॉलोइंग है। बहुत। हाँ। और हमेशा लोग हमें बोलते थे कि आप कभी दर्शन रावल को इनवाइट करिए। हाँ। तो कभी ऐसा मौका बना नहीं, पर आज तो दिवाली पे बनाया है कि मैं गाने आज तक इसलिए गाए हैं क्योंकि मैं यहाँ आ सकूं। हाउ स्वीट ऑफ यू ब्रो, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां दिव्या और दर्शन के लिए। अच्छा सबसे पहले तो मैं आप दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बिकॉज जो इनका सॉन्ग है तेरी आंखों में, हाँ। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ अर्चना जी उसको आए हुए और 45 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। That's amazing. तो दर्शन आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं आज पहली बार कपिल शर्मा शो में आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि इतने गाने गाए आज सफल हुआ ऐसा लग रहा है। अरे हाउ स्वीट ऑफ यू। पर मैंने मैंने बोला 45 मिलियन व्यू, आप कुछ बोल रही थी दिव्या जी? जी मैं कह रही थी 55 क्रॉस हो गए। क्या बात है, आई थिंक यहाँ शो पे आए तो आपके शो से और 20 मिलियन तो और ये आपका बड़प्पन, आप ऐसा बोलती हैं, हालांकि टैलेंट ही ऐसा ऐसा है आपके पास। जी जी थैंक यू। दिव्या जी पिछली बार जब आई थी तो एक दो बातें रह गई थी, अर्चना जी एक्चुअली मेरे को बोल रही थी पूछने को कि दिव्या से पूछना कि भूषण जी इतने बिजी रहते हैं तो नैन लड़ाने का मौका आप दोनों को कब मिला, मतलब कभी पूछा? क्यों आप भी तो बिजी रहते हो तो आपसे यही क्वेश्चन करूं तो? हाँ। आपकी वाइफ तो घर पर है। जी जी। तो कितने फोन आए आपको? नहीं ऐसे कामों के लिए टाइम निकाल लेते हैं ना। डरे हुए लग रहे थोड़े। अच्छा देख लो भूषण जी वैसे तो पूरी इंडस्ट्री का टैलेंट कंट्रोल करते हैं, लेकिन भूषण जी को ये कंट्रोल कर रही है, वाह क्या बात है। दर्शन आपके सिंगल्स तो इतने सारे हमने सुने हैं, कभी आपका डबल नहीं सुना हमने। मतलब डबल मतलब अभी आप शरीफ ज्यादा हैं या शातिर ज्यादा, पकड़े नहीं जाते आप? गर्लफ्रेंड तो कोई होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं नहीं दिन में 160 ट्वीट तो मुझे आ जाते हैं आपके नाम से। नहीं वो सोशल मीडिया पर है, वैसे पर्सनल में नहीं। पर्सनल नहीं है? नहीं। क्यों ऐसे इतना शरीफ बच्चा, इतना प्यारा, इतना भाई देखो अभी शादी नहीं हुई ना, फैल जाओ मार्केट में। हमारी टीम में कोई पूछ रहा था कि जैसे आपके सिंगल्स जब आते हैं तो कोई मेल सिंगर गाना गा रहा है, आप परफॉर्म कर रही हैं, तो बोलता है कभी घर पे भूषण जी ने आपके लिए गाना गाया है? बहुत बार गाया है। वाह। एक्चुअली लॉकडाउन में बहुत गाने गाए। वाह। वाह। मुझे बहुत दुख हो रहा था जब लॉकडाउन खुल रहा था क्योंकि मुझे लगा अब गाने बंद हो जाएंगे। अच्छा वैसे दर्शन मैंने देखा आपके जो गाने हैं वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही लोग सुनते हैं, लेकिन मैंने देखा अभी ना खास तौर पे इन दिनों में जब नवरात्रि भी होता है। हाँ। तो गरबा डांडिया फंक्शन जो होते हैं इनके गाने बहुत चलते हैं। हाँ। तो इस बार तो सीजन का नुकसान नहीं हो गया? बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। टोटल कितने हैं? दिव्या जी आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है, क्या हमें भी कुछ बता के जाओ, हमारे तो खड्डे नहीं ठीक हो रहे हैं। क्या खाती है दिव्या जी आप नाश्ते में वैसे? एक्चुअली मैं बहुत सब कुछ खाती हूँ, बिल्कुल डाइट नहीं करती। मेरी ये है कि मैं बिल्कुल ना चीट डेज करती हूँ ना डाइट करती हूँ। अच्छा जी। तो आई ईट लाइक डोसा इन द मॉर्निंग इन ब्रेकफास्ट या उत्तपम या दिल्ली की आलू टिक्की, वो सब मैं नॉर्मल खाती हूँ एकदम। अच्छा हम तो एक टिक्की खा ले हमारे मुंह पे निकल आती है अगले दिन, एक टिक्की यहाँ निकली होती है। क्या आपको मतलब क्या बात है, मेंटेनेंस है बड़ी?
जी मैं एक्सरसाइज करती हूँ. दर्शन आप भी एक्सरसाइज करते हैं? मैं करता हूँ पर मैं वो गुजराती खाना ज्यादा खाता हूँ, थेपला और वो सब चाय के साथ, तो वो मेरा भी निकल जाता है तुरंत. आ जाता है ना फेस पे, मेरे तो बड़ा मुंह मोटा हो जाता, मेरी ब्लोटिंग हो जाती है. नहीं पर आपने बहुत लूज किया हुआ है. यही तो मैं सुनना चाह रहा था, जब से आई बोला नहीं आपने. आप बहुत अच्छे लग रहे हो. थैंक यू दिव्या जी. अच्छा दर्शन ने ना बारिश के ऊपर बड़े गाने गाए हैं. अच्छा मतलब गुजरात वैसे तो ड्राई स्टेट है, इन्होंने बारिश करवा करवा के ना उसको ड्राई रहने नहीं दिया. तो आपको बारिश बड़ी पसंद है? मुझे हर गाने में बारिश बहुत अच्छी लगती है बारिश. अच्छा और रोमांटिक लगता है मुझे बारिश. गर्लफ्रेंड आपकी है नहीं, बारिश में क्या करते हो? फिर आदमी अपनी बनियान नहीं सुखाता होगा बारिश में तो क्या मतलब वो माहौल ऐसा हो जाता है, मन में रोमांस होता है. लोगों को देखते हैं वो साथ में ऐसे घूमते हैं. एक दिन मैं जैसे गाड़ी में जा रहा था, बाजू में एक लड़का फुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भीगता हुआ जा रहा था और अच्छा बाजू में क्या खटखटा कि मुझे आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं. तो मैं देख रहा था वो मुझे आपकी गर्लफ्रेंड भी अच्छी लगी. अच्छा दिव्या जी आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, हम ये जानना चाहते हैं भूषण जी में और कितने टैलेंट है. मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ डायरेक्ट. कौन कौन सी सब्जियां बना के खिलाई उन्होंने आपको लॉकडाउन में? नहीं कुकिंग नहीं करते बट बहुत सारी रेसिपीज ढूंढते हैं नेट से और वो जरूर बताते हैं तो फिर वो हम लाइक हमारे घर में. मुझे लगता है आपके साथ भी शायद लाइफ में पहली बार हुआ होगा कि इतना सारा टाइम मिला स्पेंड करने को एक साथ लॉकडाउन के ड्यूरिंग. जी 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 मुझे बहुत मजा आया एक्चुअली लॉकडाउन में बिकॉज हम पूरी फैमिली थे तो बहुत मजा आया और बहुत मैंने एंजॉय किया. आपको तो आएगा पैसे बढ़े ना आपके पास क्योंकि जो नहीं मतलब ठीक है ईश्वर आपको और दे. हाय हाय मैंने दिवाली का प्रोमो देखा मेरे को बहुत अच्छा लगा. उनका गाना आ रहा है तो दिवाली भी तो आ ही रही है ना. दिवाली भी आ रही है उनका गाना भी आ रहा है, डबल सेलिब्रेशन है जोरदार. आ चुका है ऑलरेडी 55 मिलियन हो चुके थे थोड़ी देर पहले, अभी 60 हो चुके होंगे. अरे तो 70 पे भी 2000 तालियां हो जाए इसके बाद 70 भी हो जाएगा. व्हाट यू नो व्हाट कोइंसिडेंस, बहुत कमाल का हो गया. आज मेरे लंच बॉक्स में ना कप्पू दाल चावल आए हैं. अच्छा। और शो पे दर्शन रावल आए. समझ में नहीं आ रहा कि दाल के साथ चावल खाऊं कि रावल खाऊं. बहुत क्यूट लग रहे हैं आप. मैं सच्ची बताऊं आप दोनों को देखकर ना आज हमारे दिव्य दर्शन हो गए. वाह बड़ी इंटेलेक्चुअल बात बोली तुमने, कोई अच्छी बात भी करो. हाँ अच्छी बात करती है. दिव्य जी आपने इतना टी सीरीज बनाया है तो हम लोगों के लिए थोड़ा पी सीरीज बनाइए ना. कैसे उनके सामने पीने की बातें कर रही है? आप डायरेक्ट क्यों नहीं बोलती हैं सब इनको, हमसे सब दारू वारू की बात बुलवाते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है. एक लेडीज होके मैं ऐसा बोलेगी अच्छा थोड़ी है. अच्छा दिव्य जी अगर आपका परमिशन हो तो मैं आपका गाना बजा के डांस कर सकती हूँ? आज बड़ी परमिशन ले रही है. हाँ तो बिना परमिशन के बजा के तो देख लाखों रुपए का बिल भेज देंगे तेरे घर पे. सपना कभी कोई ढंग की बात भी कर लिया कर, वो अपने सिंगल की प्रमोशन करने आए यहाँ पर. अच्छा आप सिंगल की प्रमोशन के लिए आए, तो सिंगल की प्रमोशन के लिए आप लोग डबल लोग आए. अगर आपका डबल आ रहा होता तो कितने लोग आते? दर्शन जी, जी. मेरे को आपको पूछने का था, आपके ताऊ जी कैसे, ठीक है ना? मेरे ताऊ कौन? ताऊ परेश रावल. वो इनके ताऊ थोड़ी है. अभी तू बोलेगा गजराज राव राजकुमार राव के फूफा नहीं है तो नहीं है. नहीं है ना. हाँ मेरे को भी लगता हम सेम पेज पे, ऐसी बात नहीं. तो मैं स्कूल में मिसयूज करता था उनका नाम. अच्छा वो हर कोई मुझे ये पूछता था कि आपके अंकल परेश रावल हैं. मैंने बोला हाँ आपको कैसे पता? बोला अच्छा. तो ऑटोमेटिकली थोड़ी रिस्पेक्ट वैसे ही बढ़ जाती थी, कोई नहीं जानता उसे, बोलते कि अरे इनका वो. अब परेश को पता चल जाएगा, वो अगर ये शो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा. नहीं, तो कोई बात नहीं, इतने मशहूर होंगे वो सुनता वही बोलते हो. आखिर मेरा पार्लर है इधर. हम लोग के पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है जी. तो हमारे पास मसाज है टी सीरीज मसाज. अच्छा इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर को तेल लगाते हैं मस्त, उसको मस्त डीप टिश्यू मसाज करते हैं और घर भेज देते हैं. अरे ये तो टी सीरीज तो बना नहीं ऐसे. टी सीरीज तेल लगाने से नहीं बनती, टी सीरीज मेहनत से बनी है. जोरदार ताली हो जाए. क्या बात करते है तू. फिर मैम मैं चलती है, मेरे को ना अभी कस्टमर लोग आते रहते हैं. आप आना. हाँ मैं आऊँ. आपका मैं वेट करेगी उधर. हाँ ठीक है. बाय सपना. बाय. कुछ
पिछली बार भी दिव्या जी जब आई थी तो आपने एक दो स्टेप हमें सिखा के गई थी, लेकिन इसमें आपने एक अंतर में 750 स्टेप कर दिए और मैं तो पहले वाला समझ रहा था, उतनी देर में आपने दूसरा कर रही थी और रचना जी को तो समझ में नहीं आया कौन से स्टेप। मैं तो कर ही नहीं सकती बट मैं तारीफ कर सकती हूँ, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। थैंक यू दिव्या जी फॉर कमिंग, थैंक यू दर्शन, और इस गाने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक, और आने वाले तमाम गानों के लिए, तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और दोस्तों आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट, चबा ख्याल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।